मैं तो ये कहना चाहता हूं और मैं हमेशा कहता हूं, इस देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मुसलमान हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। हम 100% की बात नहीं करते, हम 100% की बात नहीं करते, लेकिन हमने पूरे देवीपाटन मंडल के एक एक गांव के मुसलमानों का इतिहास हमने खोजने का काम किया है। फैजाबाद जिले के भी एक एक गांव के मुसलमानों का इतिहास हमने खोजने का काम किया है। और भाइयों, ज्यादा विस्तार में जाना चाहूं तो जा सकता हूं, लेकिन हिंदू से मुसलमान क्यों होना पड़ा, कहानी तो यहां तक मौजूद है कि कुएं का पानी अगर किसी मुसलमान ने पी लिया तो बाद में जितने भी हिंदू उसने पानी पिए उनको मुसलमान करार देने का काम किया गया। ये सारी घटनाएं हमारे देश के अंदर घटी है। भूल चूक से जैसे मेरे पड़ोस में एक गांव है त्योरासी, जमींदारी होती थी, लगान बकाया था, जमींदार साहब लगान नहीं दे पाते थे और उस समय लखनऊ से कुछ सिपाही आते हैं और एक बच्चे को भगाकर लेकर चले जाते हैं, एक छोटे बच्चे को भगाकर लेकर चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद एक कोई व्यापार करने के लिए जाता है, उस बच्चे को पहचान लेता है और कहता है कि आपको अपने माँ की याद नहीं आ रही है? वो कहा आ रही है। फिर वो व्यापारी उस बच्चे को भगा करके ले आता है और जब गांव में उस बच्चे को पिताजी के सामने पेश किया जाता है तो उस बच्चे को घर में हलने नहीं दिया जाता है,